वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रूट थ्री या रूट फाइव कुछ भी हो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है। यानी यहाँ पहले ही लिखा है प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। तो एक बार और हम वैसे बता चुके हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन एक बार और जान लीजिए, ठीक है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या जो बाटा के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि दो बट्टा अगर पाँच लिखे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको अगर कटाइएगा अभी देखिए डेसिमल वाला भी परिमेय और अपरिमेय होता है, यानी दशमलव वाला कैसे, अगर मान लीजिए कि डेसिमल के बाद से कोई नंबर कटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो दशमलव में आएगा, दशमलव में आके रुक जाए, रुक जाए का मतलब शांत हो जाए, ठीक है, तो वो भी परिमेय। या फिर दशमलव के बाद एक ही जैसा नंबर बार बार रिपीट हो, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बट्टा में बदल सकते हैं और इसको भी हम लोग बट्टा में बदल सकते हैं। और वैसी संख्याएं जिसको हम लोग बट्टा में बदल सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या है, जिसको हम कभी बट्टा में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट में भी अगर आएगा तो आएगा पॉइंट में, ये भी कभी जिस तरह थ्री कभी खत्म नहीं होगा वैसे ये भी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है ये ध्यान से समझिएगा, अंतर ये है कि ये एक ही जैसा नंबर रिपीट हो रहा है और ये वाला नंबर अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम लोग बट्टा में बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर बार बार एक ही जैसा आता है, इस नंबर को मिटाइए और पॉइंट के बाद से एक रेकरिंग लगा दीजिए, रेकरिंग के बाद से वो नंबर बार बार चार पर रेकरिंग, इसका मतलब चार बार बार आ रहा है, ठीक है। तो जो नंबर ये क्या हो गया, ये भी देखिए दोनों अशांत है, ये भी खत्म नहीं हो रहा है ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये सेम नंबर आ रहा है एक ही जैसा और ये सब पॉइंट के बाद से अलग अलग नंबर आ रहा है। तो याद रखिएगा, तो इसको बट्टा में बदल सकते हैं, इसको भी बट्टा में बदल सकते हैं, यानी जो नंबर बट्टा में है उसे हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर कभी बट्टा में बदल ही नहीं सकता है उसे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, इरेशनल नंबर होता क्या है, तो इरेशनल नंबर जैसे रूट में थ्री, इसको तोड़ करके निकालिएगा ना तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी पॉइंट के बाद नंबर क्या होगा, दूसरा चेंज होकर के आएगा, सेम नंबर भी नहीं आएगा, इसीलिए ये इरेशनल नंबर। रूट फाइव इरेशनल नंबर, रूट सेवन इरेशनल नंबर, ये सब निकलता ही नहीं है, ठीक है, ये रूट से बाहर निकलेगा पॉइंट में आएगा और पॉइंट में ऐसा नंबर आएगा जो कभी खत्म ही नहीं हो, तो उसे हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। तो इसी को साबित करना है कि रूट फाइव एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ये बताइए। एक और तरीका देखिए, अगर आप देखिए दो तरीका से किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आप लड़के हैं, तो पहला काम अगर आपको लड़का साबित करना है तो लड़का का सारा एविडेंस आपको लाके दे देना पड़ेगा, आ नहीं तो आपको हम लड़की साबित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और सारा सबूत ला के देंगे, बाद में पता ये चला कि आप तो लड़की है ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब इस जब आप लड़की नहीं है तो लड़का है, जाहिर सी बात है। इस हिसाब से अगर हमको साबित करना है ये इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या साबित करना है, क्या साबित करना है, अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम इसको साबित करेंगे परिमेय, परिमेय साबित करेंगे रूट फाइव को, खूब ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, देखेंगे कि ये तो परिमेय आ ही नहीं रहा है, जब परिमेय नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, वो अपरिमेय है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। यहां देखिए रूट फाइव करना है। एक और चीज आपको बता दे कि जब हम परिमेय इसको साबित करेंगे, रूट फाइव एक परिमेय है तो आएगा नहीं, नहीं आएगा तो हम कह देंगे अपरिमेय है, लेकिन परिमेय जब हम लिख दिए कि रूट फाइव एक परिमेय है, तो परिमेय का आपको अभी हम बताए कि जब भी परिमेय होता है वो बट्टा के रूप में होता है। अब बट्टा कुछ भी हो सकता है, ए बाई बी लिखिए, पी बाई क्यू लिखिए, जो आपको अच्छा लगे, एक्स बाई वाई लिखिए, बट्टा में कुछ भी, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो लेट बी एज्यूम रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर। हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं है। माना कि सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए हमको साबित करना है अपरिमेय, क्या साबित करना है, अपरिमेय, यहां माने हैं हम परिमेय साबित करेंगे, नहीं आएगा तो ये हमारा मानना गलत हो जाएगा। अब बताइए कि जब अप इसको हम परिमेय मान लिए तो इसको बट्टा में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि परिमेय है तो बट्टा में, तो यहां लिखिएगा रूट फाइव बराबर बट्टा में, इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी,
ये क्यों लिखे है? क्योंकि जब हम पर में मान लिए तो इसको बट्टा में लिखना पड़ेगा। दोनों के बीच में क्या लगा है? बराबर। ये और ये अब दोनों बराबर है। अब बताइए कि जब ये बट्टा में है तो आपको तो वैसे ही ये दिख रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेय बनाने के लिए क्या कहेगा? यहां से अगर रूट गलती से भी हट गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो रूट हटाने का एक ही उपाय है, दोनों तरफ क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। याद रखिएगा, रूट एक ही आदमी से अपना बात मनवाता है, वो है स्क्वायर। अगर रूट को हराना है तो उस पर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये कभी रूट भी स्क्वायर हुआ करता था। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए एक्स बराबर यहाँ पे हो जा रहा है 5 अगर है या फिर 25 है, कुछ भी है, ध्यान से समझिएगा। जब x बराबर 25 है तो स्क्वायर है इधर जाता है तो रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट, यानी रूट 25 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये रूट हटाना है तो बताइए ये रूट स्क्वायर है कि नहीं? क्योंकि ये इधर है। अपने घर में छोटा बच्चा बड़ा शरीफ होता है, बाहर जाता है तो कहता है कि सब हमारे बापे का है, ऐसे ही ना बोलता है। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे अपने घर में है तो एकदम छोटा सा शरीफ बन के है, और बाहर जाता है तो सबको घेर लेता है, जो इधर आए सबको घेर ले, कहेगा एकदम हम सब पर अधिकार मेरा ही है, ठीक है, और हमको हटाना है तो हमरे जैसे पावरफुल चीज को लाओ। तो पावरफुल मतलब क्या, अगर ये रूट है तो ये रूट से स्क्वायर से ही कटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, तब जाके स्क्वायर से रूट हट जाता है। ये स्क्वायर कहता है कि तुम तो स्क्वायर ही है, झूठ मूठ के बड़ा रूप लिया है, ठीक है, दूसरा इलाका में आके, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और फिर x बराबर हमको मिलता है 5। तो आ गया कि नहीं परिमेय? अब देखिए, यही इन द सेंस हम सिर्फ आपको स्क्वायर के बारे में बता रहे थे। जब ये अपरिमेय है तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब दोनों तरफ स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम परिमेय माने हैं तो इधर भी परिमेय का लुक होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए परिमेय। तो दोनों तरफ वर्ग करने से स्क्वायर से रूट हो जाएगा, खत्म। क्योंकि स्क्वायर रूट किसका सुनता है? हमेशा स्क्वायर का सुनता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो रूट 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और ये दोनों तरफ करते हैं, कभी भी एक तरफ नहीं करते हैं, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ हो जाए तो स्क्वायर से फिर रूट खत्म, तो बचा 5, और ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर है ना, तो अपना अपना पर्सनल ये ले लेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। जब भी बीच में कहीं देखिएगा बराबर का सिंबल तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 5 में बी से तो हो जाएगा 5 बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए एक चीज आपको और यहाँ बाय मिस्टेक छूट गया है, जब ये ए और बी मानते हैं ना तो देखिए एक रूल होता है, ठीक है, परिमेय साबित करने का। अगर कोई भी परिमेय साबित करने का रूल होता है कि जो ए बट्टा बी होता है यह एक को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। यहां आप लिख दीजिएगा यहां पे ए और बी सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या है। क्या है इसका मतलब? ए एंड बी क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो कोई भी अगर दो ठो नंबर है, ये दो ठो नंबर है ना, मान लीजिए ए और बी एक संख्या ही तो है, ठीक है, ए और बी, आई दोनों का अगर दोनों एक ही टेबल से कटता है, सिर्फ एक से कटना चाहिए, वन का बात कर रहे हैं, ओ एनी वन वाला, ठीक है, तो समझिएगा वो सह अभाज्य है। अगर दूसर कोनो नंबर से ये भाग लगा यानी कटा डिवाइड हुआ तो समझ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या, पक्का अपरिमेय है, ठीक है। यानी इसका एचसीएफ दोनों का कितना होना चाहिए? वन होना चाहिए, उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अगर आपको समझ में नहीं है तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 हो गया, एक जगह हो गया आपका 7, तो बताइए ये सिर्फ कौन ऐसा नंबर है जिससे दोनों नंबर ये कट सकता है? तो देखिए 5 एक से भी कट सकता है और एक से 7 भी कट सकता है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हुआ? 1 हुआ। एचसीएफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या मिला? 5 कटेगा एक से या 5 से, 7 कटेगा एक से और 7 से। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन मिला? एक। तो दोनों में जब एक कॉमन रहेगा, यानी एक से अगर दोनों कट जाएगा तभी समझिएगा वो क्या है? परिमेय है। अगर नीचे दूसरा कोई नंबर आया एक को छोड़ के तो समझ जाना है कि ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या है। यानी दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए यहां हम बट्टा में भेजते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, यहां आएगा तो फिर ये डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में 5। यहां देख लीजिए, अभी हम आपसे बोले हैं कि ए के नीचे सिर्फ एक से कटना चाहिए, ये कितना से कट रहा है? 5 से कट रहा है। इसका मतलब मामला यहीं से अब गड़बड़ाने लगा, हम जो मान रहे हैं वो गलत होते जा रहा है, क्योंकि सह अभाज्य का मतलब होता है परिमेय है तो सह अभाज्य होना चाहिए, और सह अभाज्य यहां दिखिए नहीं रहा है, यहां मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो साबित है ये ना करना है, ठीक है, परिमेय थोड़े लाना है, गलत होगा तभी तो ये अपरिमेय होगा। अब देखिए
यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, यानी 5 से ये भाग लग रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ए स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। अच्छा एक बात यहाँ देखिएगा, ये मान लीजिए कि यहाँ कोई नंबर है 5 और यहाँ भी कोई नंबर है। अगर मान लीजिए कि 5 से कम 5 ही कट जा रहा है, ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो नहीं कटेगा, तो भी कटेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 5 से 50 यानी कि स्क्वायर रहेगा तो भी ये 5 से नीचे वाला से कट जाएगा, अगर स्क्वायर हटा दे तो भी ये कट जाएगा। तो यहाँ जब मान लीजिए कि ए स्क्वायर के 5 से विभाजित होता है तो खाली ए भी 5 से विभाजित हो सकता है बिना स्क्वायर के भी। ए को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। आप लैंग्वेज अलग अलग तरीका से सब लोग लिखते हैं, आपको जो मजेदार लगे बेहतर लगे आपकी मर्जी, ठीक है, विभाजित करता है। अब देखिए, अब इसके बाद इसमें दो स्टेप है, एकदम सेम टू सेम दो काम करना है। ऐसे ही एक और काम कर दीजिएगा, ताकि कोई भी चीज को प्रूफ करना होता है ना तो बढ़िया से उसको चेक करते हैं कि एकदम साबित हो गया ना, एक बार में नहीं तो दो बार में। इसी को दो बार हम लोग काम करेंगे, देखिए कैसे। यहां हम लोग देखिए अब, ठीक है, ए बराबर 5, एक बार यही चीज यहां लिखते हैं, ए बराबर 5, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, यानी पूरा अंक कोई भी मान लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, आपका जो भी फेवरेट पहला अक्षर हो वो मान लीजिएगा, ठीक है। हमारा तो फेवरेट कोई नहीं है, यहाँ पे हम लिखते हैं के, ठीक है, डायरेक्ट मान लीजिए। अब मान लीजिए कि पे यहाँ पे के हो गया, और के बाद एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर यही काम सेम टू सेम हम लोग करेंगे। ये एग्जाम के लिए बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। अब यही काम कीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। अभी देखिए हम क्यों ऐसा काम किए हैं, हम इसलिए किए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि एक किसे अभाज्य सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी एक से कटना चाहिए, वहां 5 से कटा है। अगर बी भी 5 से कट गया तो समझिएगा एकदम हमारा मानना गलत हो जाए कि परिमेय है, यानी कि हाइए सही लिखा ताकि साबित कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय है। देखिए यहां दोनों तरफ हम फिर से कर दे, लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग कीजिए ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ध्यान आप अगर दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट बेहतरीन नहीं हो पाएगा। अगर आप इस एकेडमी से जुड़े हैं तो एकदम मन लगा दीजिए, जान रख दीजिए, उसके बाद किसी को जान बनाइए, ठीक है। यहां देखिए 5k² दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, ए का स्क्वायर ये ए स्क्वायर रहेगा ही, 5 का स्क्वायर होता है 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए ए स्क्वायर का मान क्या है, यहां पे ए स्क्वायर का मान है 5 बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मान भर दीजिएगा 5 बी स्क्वायर और बराबर 25 के स्क्वायर, कटाइए 50 ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बी स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा 5 बराबर के स्क्वायर। देखिए मामला हो गया गड़बड़, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या आया है, बी स्क्वायर बटा में 5। देखिए तो यहाँ पे हम अभी बोले थे कि हमारा सहअभाज्य होता है, यहाँ ए भी 5 से कट रहा है, बी भी, जबकि एक से ही कटना चाहिए था। तो यहाँ फिर यही लैंग्वेज बताइए, सेम टू सेम इसी को पेस्ट कर दिए हैं, यानी कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिए। यहाँ भी एक नंबर था बस वर्क किए, और यहाँ भी सेम यही लैंग्वेज, क्या करेंगे बी स्क्वायर को क्या कर रहा है 5 विभाजित करता है, ठीक है। और उसके बाद से तब बी स्क्वायर को करेगा तो सिर्फ बी को भी तो करेगा, बी को भी 5 विभाजित करता है, ठीक है। देखिए जबकि हमारा रूल ये है कि हमको ए और बी सह अभाज्य संख्या, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि अब देखिए अब हम लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का एच सी एफ सह यानी ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये एक भाज्य संख्या आ रहा है, यानी कि 5 को देखा जाए तो ये बी स्क्वायर एक से ही कटना चाहिए, 5 से कट रहा है, यहां भी 5 से कट रहा है। तो यहां लिख सकते हैं हमारा मानना गलत है, क्या मान है कि रूट 5 एक, यहां लिख लीजिएगा परिमेय संख्या है, अतः रूट 5 एक सही में यानी रियल में वो क्या है अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद कर देखिए आप इतना बस याद रखिए, इतना दिमाग में बैठा लिए, रटिए मत, समझिएगा ये चीज है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे परिमेय मानेंगे, और जब परिमेय मानेंगे तो जाहिर सी बात है परिमेय बट्टा में होता है तो ए बट्टा बी,
एक और बात, थोड़ा सा इज्जत तो परिमेय का रखना पड़ेगा ना, देखेंगे ये बटा में है, ये परिमेय नहीं दिख रहा है, तो रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, वर कर दिया, तो ये परिमेय दिखने लगा। लेकिन एक और कंडीशन था कि ये पाँच से नहीं कटना चाहिए, सिर्फ एक से कटना चाहिए, लेकिन इसको जब हम सॉल्व किए तो आ गया पाँच। उसके बाद से ये लिख दिए ए स्क्वायर को पाँच विभाजित करता है, सेम वैसे ही एकदम सेम टू सेम ये वाला ए लिख दिए हैं, ये वाला पाँच, और अपने से कोई नंबर यहाँ पे कोई भी वर्ड मान लिया, यहाँ लिख सकते हैं के ए क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद से ये सेम लैंग्वेज है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के बुक में यही एक इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना वो इससे तो आसान है, वो मात्र चार से पांच लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो दुआ कीजिए गॉड से कि क्या हो जाए, वो अलग क्वेश्चन है, ये नहीं है, अगर ये समझ में आपको अगर बेहतरीन तरीके से है तब तो कोई भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और आपको गारंटी है कि समझ में आएगा, सिर्फ आप इधर फोकस कीजिए, ठीक है, फोकस ऑन योर गोल्स, सुने है ना, देन गोल्स फॉलो यू, सुने होंगे, इधर उधर ध्यान देने से बेहतर है स्टडी पर फोकस करो, मुकद्दर बना देगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये दो नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, एकदम इजी है, तीन से चार लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहां बोला है कि ये क्या है, अपरिमेय साबित करना है, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए कि तीन प्लस दो रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिकरा के कभी बट्टा में लिखाइबे नहीं करे, ठीक है, वही क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले साबित करने के लिए इसको मानेंगे परिमेय, जब परिमेय मानेंगे तो खूब साबित करेंगे, नहीं होगा तो कहेंगे हमारा तो मानना गलत है ना, कि क्या है वो परिमेय संख्या है, इसीलिए वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जब हम इसको मान लिए परिमेय तो इसका इज्जत भी रखना पड़ेगा, यानी ये बट्टा में तब होता है क्योंकि हम क्या माने हैं, परिमेय। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस में तीन है, इधर जाएगा तो माइनस में तीन हो जाएगा, ठीक है, तो इधर अकेले बेचारे ये बच जाएंगे, ये हो जाएगा ए बट्टा बी माइनस थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बट्टा का घटाव कर लीजिए, हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए माइनस थ्री बी, इधर बचेगा टू रूट फाइव, बट्टा का घटाव किए हैं, ये दो को भी भेज दीजिए, बीच में हो क्या इक्वल टू, तो तिरछा तिरछी गुणा, तो दो में बीस से गुणा हो जाएगा, और रूट फाइव का तो बेचारा कोई नहीं है, तो ये अकेले रहेंगे, तड़पेंगे, घुटेंगे, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, बाद में घुटन नहीं होगा, फालतू लफड़ा में पड़ता है सब। इधर देखो अब बताइए, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है, एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है, इधर वाला बट्टा में है, ठीक है, ये दिख रहा है परी में, ठीक है, क्योंकि आपको बताया था कि कहीं भी बट्टा देखिए मारिए उसको धाएं दे परी में, ठीक है। और एक और बात, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए कुछ भी वहाँ पे, ये दोनों कंडीशन लेके चलेगा, रूट में आया तो मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे ये परिमेय, आइए हो गया अपरिमेय, क्योंकि जो परिमेय होता है उसका क्या होता है, फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ तीन भी है और यहाँ दो भी है, ये इसका मतलब ये परिमेय है, लेकिन यहाँ रूट फाइव पे क्या है, अपरिमेय, तो यहाँ दोनों बराबर कैसे हो सकता है, यहाँ बरियारी जबरदस्ती बराबर लिखा है ना जी, ठीक है, क्योंकि ये बट्टा में है तो परिमेय है और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, यहीं पे ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखिएगा ये एक परिमेय संख्या है जबकि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या, हमारा मानना गलत है कि ये पूरा का पूरा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ए प्लस थ्री बी बट्टा टू बी एक परिमेय संख्या है जबकि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसलिए ये दोनों, यहाँ लिख लीजिएगा नीचे लैंग्वेज, इसलिए यह दोनों बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है कि थ्री प्लस टू रूट फाइव क्या है, अतः हमारा इसीलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि थ्री, यहाँ लिख ले, लिखना पड़ेगा आपको थ्री प्लस टू रूट फाइव एक फाइव, ऐसे लिखिए हमारा मानना गलत है, क्योंकि अब तो गलत तो मानना ही पड़ेगा, हमारा मानना गलत है कि क्या गलत है, थ्री प्लस टू रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अतः लिख लीजिएगा, इसीलिए थ्री प्लस टू रूट फाइव एक लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या है। तो इसमें कुछ है नहीं खास, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन परिमेय माने, इसको बस इधर भेज दिए, बट्टा का घटाव कर लेना है, देखिए कि दोनों बराबर नहीं है, ये परिमेय है एक अपरिमेय, वही लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया गया, हमारा मानना गलत हो गया। अगर आपको यहाँ लिखना है तो लिखिएगा ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। यहाँ लिख लिया बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नीचे जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तो खैर बहुत ही आसान है, और भगवान से दुआ कीजिए, गॉड से दुआ कीजिए कि यही क्वेश्चन आपको आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आसान तो वो भी है, लेकिन बस ये जितना काम होता है उसको डबल कर देना है, ठीक है, आसान वो भी है, वो भी भारी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कैसे साबित करना, सेम एज इट इज वैसे ही आपको साबित करना। सबसे पहले हम उसको परिमेय मानेंगे, और जब परिमेय मानेंगे तो उसको तो बट्टा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय का रूल ही है कि बट्टा में लिखना। तो आप कोई भी नंबर बट्टा में लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिखिए, एक्स बट्टा वाई, मतलब बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल, यहाँ निम्नलिखित में जो भी दिया गया है सबको साबित कीजिए कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पहला हम लोग क्या करेंगे, रूट वन बट्टा टू, रूट वन बट्टा रूट टू, ये अपरिमेय साबित करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ पे, माना कि यानी लेट बी अज्यूम वन बाई रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि माना कि वन बट्टा रूट टू एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो बट्टा में होगा ही, ठीक है। तो लिख देते हैं इतना बराबर ए बट्टा बी, यहाँ लिख दीजिएगा ए और बी क्या था, ए और बी यानी ए तथा बी एक सह अभाज्य, आपको बता दे रहे हैं सह अभाज्य का मतलब होता है कि ये ए और बी सिर्फ एक से कटे, मान लीजिए कि यहाँ पे चार हो गया, पांच हो गया, ये किस नंबर से कटेगा, यानी हमेशा अगर जोड़ा में नंबर दो ठो दिया हो तो वो सिर्फ एक से कटे, सिर्फ वन से, तो हो जाएगा सह अभाज्य। अगर दूसरा कोनो नंबर से कटे, जैसे मान लीजिए कि चार है और आठ है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये दो से भी कट जाएगा, ये भी दो से कटेगा, ये चार से भी कटेगा और ये भी चार से कटेगा। जबकि ऐसा नंबर जो सिर्फ एक से कटे, तो वो देखिए चार और पांच हो सकता है कि नहीं, ये एक से कटेगा और ये भी एक से, एक ही नंबर से अगर कट जा रहा है मतलब सिर्फ वन से, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर यहां ए दूसरा कोनो नंबर से कटा तो समझिएगा कि वो परिमेय नहीं है, वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। यहां देखिए, जब ये संख्या, अब देखिए जब हम इसको बताए थे, और यहां पे लिख दीजिएगा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी नीचे जीरो बराबर के, मतलब नीचे वाला जीरो होता ही नहीं, यानी यहाँ बी लिखिएगा, आपको सिक्स जैसा दिख रहा होगा। अब बताइए कि जब ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो ये माने हैं हम इसको परिमेय, तो जाहिर सी बात है कि परिमेय बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर कर दें हम, तो यहाँ हो जाएगा वन बाई रूट टू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बट्टा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक बट्टा स्क्वायर से रूट, इसके लिए ख़त्म हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम प्रोसेस। जब बीच में क्या हो, इक्वल टू, तो तिरछा तिरछी गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, यहाँ भेज दीजिए टू को, तो हो जाएगा बट्टा में बी स्क्वायर बट्टा टू बराबर ए स्क्वायर। अब बताइए, अभी हम आपको बताएं कि ए और बी सिर्फ एक से ही विभाजित होना चाहिए, एक से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे बी किससे हो रहा है, दो से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, लैंग्वेज वही फिर, यानी बी स्क्वायर को दो विभाजित करता है। तो जब बी स्क्वायर को दो विभाजित करेगा तो बी को भी तो दो विभाजित करेगा, क्यों करेगा विभाजित, यानी क्यों डिवाइड करेगा, आपको बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया पाँच का, पाँच से ये कट जा रहा है, पाँच एकम पाँच, अगर इसका स्क्वायर हम कर दे तो पचास पच्चीस, और नीचे पाँच है ना, तो भी तो कट जाएगा, यानी स्क्वायर करने पर भी कट जा रहा है नीचे पाँच से, और स्क्वायर को हटा दे तो भी कट जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे बी स्क्वायर अगर दो से कट रहा है तो खाली बी भी तो दो से कट जाएगा स्क्वायर हटाने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बी को भी दो क्या कर रहा है, दो विभाजित
करता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहे हैं लिख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर से जब ये कट सकता है तो बी को विभाजित करेगा। और एक बार यही सेम काम करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बी बराबर दो, आपका जो भी फेवरेट नंबर हो यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ भी डाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी डालने से पहले आपका के एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, के एक पूर्णांक है, कोई भी नंबर पूरा अंक होना चाहिए। अब बताइए कि फिर यहाँ पे एक बार और वही काम करेंगे हम लोग, कौन सा काम, दोनों तरफ वर्ग, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे टू के का स्क्वायर, बी स्क्वायर ये हो जाएगा दो दूना चार, ये हो जाएगा के स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर का मान है टू ए स्क्वायर, भर दीजिएगा यहाँ, देखिएगा बी स्क्वायर का मान है टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर यहाँ पे है फोर के स्क्वायर, दो से दो दूना चार हो जाएगा, यहाँ बचा ए स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर, ये दो इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा टू, और ये हो गया के स्क्वायर, फिर हो गया इतना ही आंसर हो गया। अब देखिए सह अभाज्य संख्या तो सिर्फ एक से कटना चाहिए, ये दोनों नंबर दो से विभाजित हो रहा है, यहाँ दे सकते हैं दोनों ए और बी, यहाँ पे भी बी हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, ए विभाजित हुआ, ठीक है। जबकि हमारा मानना है कि ये सह अभाज्य संख्या है, जैसे ही देखिए कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या है तो वो सह अभाज्य होता है, ठीक है। अगर सह अभाज्य है तो समझिएगा वो परिमेय है, लेकिन यहाँ तो सह अभाज्य है ही नहीं तो परिमेय कहाँ से होगा, क्योंकि सह अभाज्य का मतलब होता है एचसीएफ कितना आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए ए और बी का एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दो से कट रहा है ये भी, दो से कट रहा है ये भी, तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखिएगा पहले, यही सेम जो ये लिखे हैं, ए स्क्वायर को का विभाजित कर, ए स्क्वायर को दो विभाजित करता है, ठीक है, और ए को भी दो विभाजित करता है, ठीक है। अब बताइए कि ए और बी दोनों दो से कट रहा है, लेकिन हम तो माने हैं परिमेय और हमको कटना चाहिए सिर्फ एक से ही ये कटना चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं थर्ड नंबर स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ठीक है, ये इसका ब्रैकेट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लैंग्वेज आप यहाँ लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिखिएगा सबसे पहले कि ए और बी क्या है, यहाँ दो से विभाजित हो रहा है, इसीलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि वन बट्टा रूट टू एक परिमेय संख्या है, इसीलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके और थोड़ा थोड़ा सुन के कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। और आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, ये दो नंबर और तीन नंबर ये तो बना लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन सेम है, इसी प्रकार का है, ये भी वही है, फिर यहाँ लिखिएगा क्या सेवन रूट फाइव ए बराबर भी, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, ऐसे ही सेम कंडीशन लेके जाइएगा, आपसे ये बन जाएगा। तो बिना देर के उम्मीद करते हैं कि आपको पहले ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको ये समझ में आया ना तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास के स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और बताइए कि अगर ये वीडियो उसको भी समझ में आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे अंदर मोटिवेशन डालता है, ठीक है। आपको भी कोई ना कोई वजह होता है मोटिवेशन का, पढ़ने का, ठीक है। हम किसी के लिए कुछ करके दिखाएंगे, तो किसी के लिए नहीं, फैमिली के लिए करो, दोस्तों कौनों के लिए करेगा तुम, ठीक है, तो छोड़ के चली जाएगी, फिर उसके बाद से सिर्फ पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज में, ठीक है, 1.4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।